कि तकरीबन अंजुमन इस्लामिया जब से वक्फ बोर्ड में गया है उस वक्त से लेके आज तक ना कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ना असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा है, बल्कि 12 संवत्सराल का 12 संवत्सराल जीता 3438 रूपये। ये दुनिया हमें याद रखे या ना रखे, कल तारीख हमें याद रखेगी। अब मर्जी हमारी कि तारीख हमें किस में याद करे, कौम के वफादारों में या तो फिर बेवफाओं में। शहर करनूल का खदीम इदारा अंजुमन इस्लामिया में कई बरसों से एडेड और नॉन एडेड स्टाफ इसमें अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह अभी तक नहीं बढ़ी। नाजरीन, अब इनकी तनख्वाह सिर्फ 3500 से लेकर 5000 के दरमियान ही है। आज अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी कर ले, उनकी तनख्वाह कम से कम 8000 से 12000 के बीच रहती है, मगर ये पढ़े लिखे दानिश्वरों की तनख्वाह सिर्फ 3500 से लेकर 5000 के दरमियान ही है, जिस पर हमें सोचने पर मजबूर करती है। रमजानुल मुबारक आज से शुरू होने जा रहा है, लोग अपने घर सहरी व इफ्तार के इंतज़ाम कर रहे हैं, मगर ये बेचारों की तनख्वाह नहीं बढ़ी। क्या कर रही है मौजूदा कमेटी और वक्फ बोर्ड, क्यों इनके मसले हल करने में ये नाकाम रहे? सिर्फ कहने को ही हमारा शहर करनूल मुस्लिम आबादी वाला शहर है, मगर ऐसे मसले भी कहीं हमारे शहर करनूल में भी मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चले कि इसमें कम से कम 15 से 20 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ 3500 से लेकर 5000 की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, और ये अरबिक, उर्दू, फारसी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी इस इदारे में पढ़ाते हैं। ऐसे इस इस्लामी कदीम इदारे में इनके साथ ये अगर कहा जाए तो कोई जुल्म से कम नहीं। अगर ये जाकर मैनेजमेंट से तनख्वाह के बढ़ाने की मांग करे तो वो कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, वक्फ बोर्ड के हाथों में है। अगर वक्फ बोर्ड से ये अपना तनख्वाह का मुतालबा रखे तो कहते हैं कि बोर्ड बनने के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड बन गया और एक बोर्ड मीटिंग भी हो गई, मगर इनकी तनख्वाह अभी भी नहीं बढ़ी। आखिरकार इसके ज़िम्मेदार कौन, वक्फ बोर्ड या फिर मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी? और कुछ टीचर्स ने द पी टाइम्स के सामने कहा कि मैनेजमेंट के तरफ से इनको नौकरी से निकालने की धमकियां भी आ रही है। जब द पी टाइम्स ने कर्नूल एमएलए और वक्फ बोर्ड मेंबर हफीज़ खान साहब से इनकी तनख्वाहों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले बोर्ड मीटिंग में इनकी फाइल नहीं आई, अगले बोर्ड मीटिंग में इनके फाइल की एजेंडा बोर्ड में रखकर इनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। इदारा शहर करनूल का बहुत ही कदीम इदारा है, जिसको अंजुमन इस्लामिया कहते हैं। अंजुमन इस्लामिया के तहत में चलने वाले उमर अरबी हाई स्कूल, इस्लाम अरबी डिग्री कॉलेज और उमर अरबी एलिमेंट्री स्कूल और डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी कॉलेज, आज हम यहाँ पर आपके सामने आने की वजह यह है कि तकरीबन अंजुमन इस्लामिया जब से वक्फ बोर्ड में गया है उस वक्त से लेके आज तक ना कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ना असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा है, बल्कि वक्फ बोर्ड अंजुमन इस्लामिया की जायदादों से फ़ायदा उठा रही है, बाकायदा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए टैक्स के नाम पर ले रही है, और अंजुमन इस्लामिया को इसका एहसास भी नहीं है। आज जबकि इदारे बहुत ही मफलूज हो चुके हैं, यहाँ पर तलबा की जैसी तादाद होनी थी वैसी नहीं है, इसमें अंजुमन इस्लामिया का सबसे बड़ा इसमें कसूर है कि तकरीबन 8-10 साल से वक्फ बोर्ड में जाने के बाद से यहाँ की कारकर्दगी पूरा ठप पड़ चुकी है। अंजुमन इस्लामिया का रोना यह है कि वक्फ बोर्ड के हाथ में इदारे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, और वक्फ बोर्ड से जब हम सवाल करते हैं तो वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और बीच में असातिज़ा इकराम जो सालों से, बाज़ असातिज़ा 12 साल से कर रहे हैं, बाज़ 15 साल, बाज़ 17 साल, बाज़ जो है 25 साल 28 साल से कर रहे हैं हमारे पास, और सबकी तनख्वाह 5000 4000 3500, बस इसी में ख़त्म है हमारी तनख्वाह। हमने आज से लगभग 1 साल पहले बराबर अप्रैल के महीने में आवाज़ उठाई थी, और मैं भी इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, यहाँ का एक सपूत हूँ मैं,
और बाकायदा मेरी खिदमत भी 12 साल से जारी है। अरबी टीचर हूँ मैं। कई बार इस मुद्दे को लेकर हम उठे हैं। बाकायदा MLA साहब के पास हम जब वो नए बने थे जाकर हम गुजारिश करे तो बेचारे हमारे हक में उन्होंने सिफारिश की कि फौरन इनकी तनख्वाहें 10,000 कर दो। वक्फ़ को ऑफिसर को शब्बर साहब उस वक्त थे जब उनको लेटर भी लिखे, वक्फ़ को भी लिखे, उसके बाद आज तक हमारी तनख्वाहें बढ़ी नहीं। उससे पहले से भी तकरीबन 5-7 साल से हम लोगों कोशिश करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह आज हमारी हालत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आसमान को छू रही है। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, आने वाला है, तो ये बहुत सारे परेशानियां हमारे सामने हैं। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं वक्फ़ से, चेयरमैन साहब से, खुसूसन अब्दुल कादर साहब से और MLA साहब से भी, और हमारे जनाब महबूब बादशाह साहब वेलफेयर ऑफिसर जो हैं WDM, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि हमारी इस दास्तान को सुनकर फौरन हम इस पर अमल आवरी करें और हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें। आज के गिरानी के एतबार से आपको खुद मालूम होना चाहिए कि हमारी तनख्वाहें क्या होनी चाहिए। तो बस एक ही हमारी गुजारिश है कि फौरन इस पर अमल हो और फौरन हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो इसी माह से। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।